हेलो वेलकम गेमर्स। तो हम वापस आ चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं स्टोरी टाइम। एंड मैंने इंस्टाग्राम में पूछा था कि आप लोग किस चीज़ के ऊपर स्टोरी टाइम वीडियो चाहते हो, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें चाहिए द लॉस्ट असेंबली की स्टोरी के ऊपर कि वो कैसे बनी एंड इस ETC VDC। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि हाउ आई मेक माई ओन SMP एंड इसमें बहुत कुछ होगा एंड आई डोंट थिंक कि मैं एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी बता दूंगा। तो यस, हो सकता है इसका पार्ट टू भी आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से काफ़ी समय पहले की, जब आकाशगंगा में दो तरह के योद्धा रहते थे, एक जिन्हें जेडाई कहा जाता था और दूसरे ऐसे लोग जो बुराई का साथ देते थे, और उनके और जेडाइज के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध होती रहती थी। वाट, ये स्टार वॉर्स की स्क्रिप्ट यहाँ पर कौन रख के चला गया, इसे हटाओ यार। हाँ, तो एक कहानी शुरू होती है आज से 1.5 साल पहले, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई तुम माइनक्राफ्ट खेल, तेरे चैनल और भी अच्छे तरह से ग्रो होगा। उस समय मैं सिर्फ पबजी की वीडियो डालता था, तो मैंने उसकी बात सुनी एंड मैंने माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल दी। एंड उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा गेम, उतना खास नहीं। उसके ठीक एक महीने बाद वो द्वंदा ने मेरे पास आया और मुझे बोला चल भाई मिल करके एक SMP में आते हैं, एक SMP में खेलते हैं, मेरी खुद की एक SMP है, आजा दोनों भाई ज़िंदगी में ऐशी ऐश करेंगे। तो हाँ, उसके बाद मैंने उसकी बात सुनी और उसके बाद मैं उसके SMP में चला गया। एंड वो SMP का नाम था क्रेजी माइंड। जिस टाइम मैं उस SMP में गया था, उस टाइम मुझे इंचेंटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। जब मैंने इस फर्स्ट टाइम वहाँ पर इंचेंटिंग देखी तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या, ये हैक यूज़ कर रहा है या क्या है आखिर। हाँ, मैंने एफिशिएंसी देखी थी उस वक्त। तो उसके ठीक एक साल बाद मैंने उस SMP को छोड़ा। मैंने वो SMP बंद हो गई, बंद नहीं हुई, उसका एक सीज़न एक ही महीने का था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर खेलते कम अक्षोदिया ज़्यादा होती थी। तो मैंने उस SMP का बदौलत इंचेंटमेंट सीख ली। उसके बाद मुझे एक मंथ के बाद इनविटेशन आता है एक और SMP से, जिसका नाम था इंडियन क्राफ्ट। फिर मैं उस SMP गया। उस टाइम तक मुझे इंचेंटिंग की नॉलेज थी, पोशंस की नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम तक मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था 2 महीने में। जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बिल्ड्स देखे थे। एंड जब मैं क्रेजी माइंड में था, जब मैं छोड़ रहा था उस SMP का, मैं जब वो बंद हो रही थी, देन मैंने सोचा था कि मैं भी खुद के एक SMP बनाऊँगा जब मैं अच्छी तरह से सीख जाऊँगा माइनक्राफ्ट को। देन जब मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पर खेला एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी देखी, नई चीज़ें, नए लोगों से मिला। एंड उस टाइम मेरे माइंड में आया, जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इंडिया में ज़्यादातर SMPs एक ही दो SMPs के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। एंड देन मुझे ये लगा कि ये तो सही नहीं है, आई मीन हर किसी को अपना कुछ अलग दिखाना चाहिए, वरना ऐसे तो सब बोरिंग हो जाएगा। मैं एक शॉपिंग सिटी होगी, ठीक है, एंड बस सब बिल्ड्स बनाएंगे एंड बिल्ड्स बनाएंगे, बस इतना ही था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो हाँ, यही तक खाना भी बनती थी एंड बस एक दूसरे ट्रोल करेंगे। देन मैंने सोचा कि एक अपनी SMP होनी चाहिए यार, एक ऐसी जो उनसे अलग हो। तो मैंने फिर उस टाइम एक अपने खुद की SMP के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जो स्टोरी के ऊपर चले। मैं उस टाइम स्टार वॉल्स से इंस्पायर्ड था। अब आप बोलोगे कैसे, तो स्टार वॉल्स में जिस तरह सीजन्स वाइज होता है कि सबसे पहले स्टार वॉल्स की आई 3 मूवी और उसके बाद में आई हुई उसकी जो 3 मूवी थी, उसके बाद में आई 3 मूवी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट थे, और उसके सबसे पहले आई हुई 3 मूवी उसके 4, 5 एंड 6 पार्ट थे। हाँ, इसकी टाइमलाइन काफ़ी अजीब है। तो देन मैंने सोचा कि मुझे भी एक ऐसी SMP बनानी है जो औरों से अलग हो, उसकी टाइमलाइन काफ़ी डिफरेंट हो। देन उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की एंड सबसे पहले जब लॉस्ट लॉन्च हुई इसके बाद मेरी SMP, उस टाइम तक सिर्फ उसके 2 सीजन्स की स्टोरी ही रेडी हुई थी। एंड मुझे उसकी सारी सीजन की स्टोरी पूरी रेडी करने में दिसंबर तक का टाइम लग गया था, दिसंबर 2020 का। तो जब मैंने SMP स्टार्ट की, तो पहले दिन मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई थी बंदों को लाने की। मैंने बड़े प्रमोशन किया था अपनी वीडियो में, बस ज़्यादा बंदे नहीं आए थे। एंड मुझे उस टाइम इतना भी नहीं पता था कि यूट्यूबर्स किस हद तक कंपलसरी होते हैं। मैंने 2-3 ऐसे लोगों को लिया था जो काफ़ी अच्छे स्किल्ड प्लेयर्स तो थे, बट यूट्यूबर्स नहीं थे। एंड ये मुझे प्रॉब्लम आई थी उस वक्त। उन्हें लेने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को SMP बनाया। एंड लॉस्ट SMP का जो सीज़न 1 था, वो एडवेंचर सर्वाइवल प्लस एक्सप्लोरेशन टाइप वीडियो, मतलब कि सीज़न था। इस सीज़न में स्पेशली हमने झांटना कुछ किया था,
इस सीजन में बस प्लेयर्स ने सर्वाइव किया एंड अकॉर्डिंग टू, अगर आपको पता होगा तो ओनर्स नहीं खेलते थे गेम में। लॉस्ट एंड में सीजन वन में ओनर सिर्फ मैं था, आई मीन सीजन टू में भी ओनली मैं ही था, बट लॉस्ट के सीजन वन जब आगे बढ़ा तो मुझे कुछ और चमन चूती, आई मीन कुछ और अच्छे होनहार लोग मिले, जैसे कि जोल्डी, निंजा, लवर, आई मीन हंड बस्टर एंड ऐसे और भी कई सारे चमन चूती हमारे ग्रुप पे आए थे। तो जब पहला लॉस्ट का सीजन वन का इंटरव्यू हुआ था उसमें टोटल 5 से 6 बंदे यहाँ आए थे। देन मैंने सोचा कि हमें और यूट्यूबर्स चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में सबकी स्ट्रीम्स देखी एंड उसके बाद मैंने स्ट्रीमर्स को टारगेट करना स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स को बोला था एंड एक इसी तरह मैं एक बंदे के पास गया जिनका नाम था डार्क लॉर्ड, मैं उनके पास गया था ये चीज़ की बात करने। तो वो तो जावा खेलते थे बट वहाँ मुझे एक भोसड़ी, आई मीन एक भरोसे वाला बंदा मिला जिसका नाम था हंड बस्टर एंड देखते देखते वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन गया था। उससे मैंने लॉस्ट के लिए इन्वाइट किया एंड वो फिर लॉस्ट पर आया। देन उसने लॉस्ट में दुनिया भर की काम को छोड़ के दुनिया भर की भक्चोदिया पहली थी एंड लॉस्ट का सीज़न वन भक्चोदी भरा, एडवेंचर भरा और भक्चोदी भरा गया। और इस तरह हमें अपना हमारे कोर मेंबर मिला। बट लॉस्ट का जो सबसे पहला मेंबर यानी जिस बंदे को मैंने सबसे पहले लॉस्ट में आने के लिए इन्विटेशन दिया था उसका नेम था ईविल बाबा, बट ईविल बाबा अभी तक नहीं आया था ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सीधा अगले सीज़न में आ पाएंगे क्योंकि उन्हें काफ़ी काम था एंड SMP में काफ़ी कुछ हो चुका था। देन ये डिसाइड कि वो बाद में आएंगे एंड डीविल बाबा लॉस्ट के सबसे एंड के टाइम में हमारे पास आए थे एंड देन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया। बट लाइक लॉस्ट के जो इवेंट्स थे हमने डिसाइड किया था कि जो इवेंट्स होंगे, मैंने जो इवेंट स्टोरी बनी थी उस पर डिसाइड होता हुआ था एक ऐसे SMP हो जो माइथोलॉजीज के ऊपर भी थोड़े बहुत इवेंट्स को क्रिएट करे। बट लाइक एक एंड का एक इवेंट था, वो इस तरह का इवेंट था कि काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑफेंड हो गए थे क्योंकि लैग ज़्यादा हो रहा था सर्वर एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सब प्लेयर्स के बीच में झगड़े हुए। तो इस वजह से मैंने उस टाइम ओनरशिप छोड़ दी थी एंड उस टाइम मैं फिर चला गया था। हाँ, ये सीन हुआ था अक्टूबर के टाइम में एंड उस टाइम मैंने ओनरशिप छोड़ी अक्टूबर 2020 में एंड सार्थक एंड ब्रेमलेस आदि को मैंने ओनरशिप दी एंड उसके बाद उन्होंने 21 प्लेयर्स उस वक्त लॉस्ट SMP में थे, 21 क्रिएटर्स टोटल। एंड उसके बाद मैं गया और उसके ठीक कुछ टाइम बाद लॉस्ट में ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो सभी को SMP बंद करने की बारी आ गई थी, क्योंकि सारे प्लेयर्स ने मेरे जाने के बाद SMP लगभग लेफ्ट कर दी थी एंड जितने फिर न्यू प्लेयर्स की एंट्री हुई थी वो सारे प्लेयर्स अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहे थे और इस वजह से SMP धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डाउन गई और एंड में एक समय आया जब उसे बंद करने के बारे। उसके बाद फिर मैं आता हूँ वापस और उसके बाद वापस से SMP को रीस्टार्ट करने डिसीजन लिया गया एंड उसके बाद वहाँ पर सीजन का एंड कर दिया गया, यानी कि ठीक दिसंबर में जैसा स्टोरी में लिखा हुआ था। उसके बाद फिर सीज़न 2 का स्टार्टिंग जनवरी में हुआ एंड उस टाइम हमने एक न्यू टीम को बनाया जो टीम मेरे स्ट्रिम्स को संभालती थी, जैसे कि युवराज, करण, एड्रोल और भी कई सारे लोग, उन लोगों को फिर ले करके सीज़न 2 का हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड सीज़न 2 में काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए एंड सीज़न 1 में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए थे लाइक हैकर्स एंड बाकी SMBs के साथ लड़ाई हुई थी सीज़न 1 में हमारी, जहाँ पर हमें ऑरा गेमिंग एंड नेक्सस प्ले इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड और भी कई सारे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। हाँ, वो बात अलग है कि उनके सपोर्ट से ज़्यादा भक्चोदिया मची थी बट स्टिल काफ़ी मज़ा आया था। अब देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो आगे स्टोरी तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि सीज़न 2 में क्या हुआ था, वो तो शायद अगले पार्ट में पता चले, बट हाँ पार्ट 1 में इतना ही जानो भोजड़ी वालों, काफ़ी है। ओके, तो चलिए हमने तो अपने अगली वीडियो कब आएगी, जल्दी आएगी बिकॉज मैं अभी अपनी अगली वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं, सायोनारा एंड बाय बाय।